हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और बेहतर महसूस कर रहे होंगे। आज हम आप लोग को DLED द्वितीय सेमेस्टर पेपर 5 यानी सामाजिक अध्ययन के बारे में बताने जा रहे हैं कि सामाजिक अध्ययन में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने रहते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक होता है वह है भारतवर्ष में प्रथम साम्राज्य की स्थापना। तो सबको पता है भारतवर्ष का जो प्रथम साम्राज्य था वह था मौर्य साम्राज्य। तो हमें मौर्य काल के बारे में पढ़ना है। मौर्य काल के बाद आता है गुप्त काल, गुप्त काल के बाद आता है वर्धन वंश। फिर अगला टॉपिक है सामंतवाद कालीन भारत। सामंतवाद कालीन भारत में राजपूतों का उदय कैसे होता है, प्रमुख राजवंश कौन कौन से होते हैं एवं उनकी सामाजिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या होती हैं, इसको पढ़ना है। फिर अगला टॉपिक है दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश यानी दक्षिण भारत के जो प्रमुख राजवंश थे, चालुक्य थे, पल्लव थे, चोल थे, राष्ट्रकूट थे, इनके बारे में अध्ययन करना है और उनकी सामाजिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियाँ क्या क्या थी, यानी कि इन्होंने अपने शासनकाल में कौन कौन सी सामाजिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियां प्राप्त की, इसके बारे में अध्ययन करना है। फिर अरब में इस्लाम का कैसे उदय हुआ है। तो सबसे पहले जो इस्लाम धर्म का उदय हुआ था वह अरब कंट्री में ही हुआ था और भारत में इसका आगमन कैसे हुआ और इसका भारत में आगमन का क्या प्रभाव पड़ा। फिर इसके बाद तुर्क आक्रमण को पढ़ेंगे जिसमें मोहम्मद बिन कासिम ने पहला तुर्की आक्रमण था जो भारत पर आक्रमण किया था। उसके बाद महमूद गजनवी का आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। फिर मोहम्मद गौरी के आक्रमण और उसके प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। अगला टॉपिक है सल्तनत कालीन भारत। तो सल्तनत कालीन भारत में हमको सबसे पहले दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ना है। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण दास एवं गुलाम वंश। फिर गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश। फिर खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश। दक्षिण में बहमनी व विजयनगर राज्य की स्थापना कैसे हुई, इसके बारे में पढ़ना है। सल्तनत का विघटन कैसे होता है, मंगोल का आक्रमण कैसे होता है व उसका प्रभाव, तैमूर व चंगेज खां के बारे में पढ़ना है, सैयद वंश व लोधी वंश के बारे में पढ़ना है। उसके बाद सल्तनत कालीन उपलब्धियां क्या क्या थीं, जैसे प्रशासनिक उपलब्धियां, सांस्कृतिक उपलब्धियां, कलात्मक, साहित्यिक, आर्थिक, सल्तनतकालीन समाज, भक्ति आंदोलन व सूफी मत। उसके बाद हमको आते हैं यह जो है इतिहास विषय का यह जो सिलेबस था। उसके बाद आते हैं हम भूगोल विषय का सिलेबस पर जो सभी सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत ही हैं। इसमें भूगोल का जो पहला टॉपिक है सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा व प्राकृतिक शक्तियों का मानव जीवन पर प्रभाव, चंद्रमा की कलाएं, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण। उसके बाद अगला टॉपिक है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल में क्या क्या आते हैं, स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जीवमंडल, यानी कि स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जीवमंडल का जो सम्मिलित रूप होता है उसी को परिमंडल कहा जाता है। अगला टॉपिक है स्थल मंडल। स्थल मंडल पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, पृथ्वी पर कौन कौन से शैल पाए जाते हैं उसके बारे में पढ़ना है। फिर धरातल के रूप बदलने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, आंतरिक कारण, पतल विरूपणी बल, आकस्मिक बल, और इसमें आकस्मिक बल, उसके बाद बलित पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, भूकंप, प्रकार एवं प्रभावी क्षेत्र, इसके बारे में अध्ययन करना है। फिर कह रहा है बाएं बल। फिर हम आते हैं बाएं बल पे। बाएं बल में अनच्छादन, अपच्छय, अपर्दन एवं इनसे बनने वाली भू आकृतियाँ क्या होती हैं, इसके बारे में अध्ययन करना है। फिर वायुमंडल। वायुमंडल, वायुमंडल का संगठन एवं संरचना, तापमान, वायुदाब, वायुदाब पेटियाँ, वायुमंडल की आर्द्रता, इसके बारे में अध्ययन करना है। फिर पवन के प्रकार कौन कौन से होते हैं, जिसमें स्थायी एवं अस्थायी पवनें होती हैं। अब इसके अंतर्गत भी व्यापारिक पवन, पछुआ पवन, ध्रुवी पवन और मानसूनी पवन होती हैं। चक्रवात क्या होता है और प्रति चक्रवात क्या होता है, इसके बारे में भी अध्ययन करना है। फिर जलमंडल। जलमंडल के अंतर्गत हम समुद्र व उसकी गतियाँ, समुद्री धाराएँ तथा उसका तटवर्ती क्षेत्रों पर प्रभाव, ज्वार भाटा, इसके बारे में अध्ययन करना है। फिर आता है हमारा संविधान। हमारा संविधान क्या है, तो हमारे संविधान में संविधान किसे कहते हैं, संविधान के गठन की भूमिका बताइए, संविधान का गठन किस प्रकार हुआ, संविधान की प्रस्तावना एवं विशेषताएं बताइए। उसके बाद नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे, नागरिकता क्या होती है। फिर हमारा मौलिक अधिकार क्या है और हमारा मौलिक कर्तव्य क्या है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद नीति निर्देशक तत्व के बारे में पढ़ना है हमको। फिर उपभोक्ता, उपभोक्ता जागरूकता क्या होता है, उपभोक्ता शोषण के प्रकार, उपभोक्ताओं के अधिकार कौन कौन से होते हैं और उनके कर्तव्य क्या होते हैं, उपभोक्ता सुरक्षा के कौन कौन से उपाय होते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। फिर
भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या योगदान है इसको पढ़ना है, भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषताएं व महत्व के बारे में पढ़ना है, फिर भारतीय कृषि में उत्पादकता, हरित क्रांति व इसका प्रभाव, आर्थिक विकास, कृषि विकास हेतु सरकार द्वारा अपनाए गए उपाय के बारे में पढ़ना है और भारतीय कृषि नीति के बारे में पढ़ना है। फिर मुद्रा के बारे में पढ़ेंगे, मुद्रा का अर्थ क्या है, मुद्रा के कितने प्रकार हैं, साख मुद्रा, चेक, बैंक ड्राफ्ट, प्रतिज्ञा पत्र, हुंडी, ग्रेसम का नियम, मुद्रा स्फीत, मुद्रा अपस्फीत, मुद्रा संकुचन, मुद्रा का मूल्यांकन, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय रुपये का मूल्य, भारत की मौद्रिक नीति क्या क्या है इसके बारे में अध्ययन करना है। फिर भारत का औद्योगिक विकास कैसे हुआ, प्रमुख उद्योगों के बारे में पढ़ना, जैसे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, भारत की नई औद्योगिक नीति, बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ। तो इतना ही सिलेबस आपको सामाजिक अध्ययन में हमको पढ़ने को मिलता है और उम्मीद है कि आप इस सिलेबस को पढ़ के समझ के और एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करके और एग्ज़ाम को अच्छे नंबरों से पास कर सकते हैं। धन्यवाद।